नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं NVTV। इस वक्त मैं खड़ा हूं नगर परिषद बनखेड़ी के इस क्षेत्र में। यहां पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहां पर शमशान घाट के पास कचरा पड़ा हुआ है। हालांकि ये जो कचरा है वो अब समाप्ति की कगार पर है, अब यहां पर नया कचरा नहीं डलने वाला है। आज से 2 साल पहले एक प्रश्न सभी नगरवासियों की जबान पर रहता था कि शमशान घाट में इतनी गंदगी क्यों। इसी गंदगी का उपाय आ चुका है। मैं आपको बताने जा रहा हूं आज नगर परिषद बनखेड़ी के ट्रेचिंग ग्राउंड का वो दृश्य, रूबरू कराऊंगा आज आपको ट्रेचिंग ग्राउंड के बारे में कि किस तरह से यहां पर आपके घरों से निकलने वाला जो सूखा कचरा है, ठोस अपशिष्ट है, उसका निपटारा किया जाता है। ना सिर्फ निपटारा किया जाता है बल्कि उससे उपयोगी सामग्री भी निकाली जाती है। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम जानेंगे नगर परिषद बनखेड़ी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संतोष रघुवंशी सर से कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेचिंग ग्राउंड में जो ठोस अपशिष्ट कचरा है उसका निपटारा किया जाता है, उसका प्रबंधन किया जाता है। बने रहिए मेरे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NVTV में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो ट्रेचिंग ग्राउंड यहाँ पर बना हुआ है क्यों बनाया गया है, क्या इसका उद्देश्य है? आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ट्रेंचिंग ग्राउंड पर। ये ट्रेंचिंग ग्राउंड जो इनको ट्रेंचिंग ग्राउंड भी बोलते हैं, और इसके अंदर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें एक कचरे निष्पादन के लिए तैयार की जा रही है। सर्वप्रथम मैं आप जैसे ही इस ग्राउंड के अंदर आए हैं तो मैं आप बताना चाहूँगा कि यहाँ से प्रवेश करते हुए मैं आपको पूरा बताऊँगा कि कचरा आता है और निष्पादन कैसे होता है। इसी कड़े में यहीं पर किनारे पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये चीज़ें उपयोगी नहीं थी, तो ये सिविक रिसोर्स से एक वर्षा मैडम उनके द्वारा ये देखो खाली बोतलों से नाडेप बनाया गया है। ये बहुत सुंदर प्रयास अभी धीरे धीरे किए जा रहे हैं क्योंकि ये नगरपालिका अभी प्राथमिक दौर में है, तो यहाँ हम छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। इस तरफ भी आप देखिए, ये भी बाटलों से हमने ये थोड़ा ये एक सुंदर तैयारी बनाने का कोशिश की गई है। एक सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, आज से 2 वर्ष पहले यहाँ पर कुछ था नहीं, अभी यहाँ पर पूरा चाक चौबंद हो गया है, साफ सफाई दिख रही है, व्यवस्था बनी हुई है, कितनी राशि इसमें खर्च हुई है? राशि तो ये बाउंड्री वाल हुई है, बाउंड्री वाल बनी है, इसमें ही 15 लाख रुपए खर्च हुए हैं। बाकी कुछ मशीन हमने एक आपको बताया 4 लाख की थी, एक 2 लाख रुपए की थी। ये इसका सेट बनाया ये 70-80 हज़ार रुपये का है। इधर वो सेट दूसरा आप सामने देख रहे हैं वो भी 50-60-70 हज़ार रुपये का सेट है। इसके अलावा ये पेपर ब्लॉक लगाए हैं, इसमें राशि खर्च हुई है। फीकल स्लज के लिए वो भी शासन से पैसा मिला है करीबन 4 से 5 लाख रुपए, उसमें फीकल स्लज सेंटर में खर्च हुए। बाकी पेंटिंग और एंटिंग ये 1-1.5 लाख रुपए इसमें खर्च हुआ है हमारा। हम आपको दिखाएंगे नगर परिषद CMO सर के ही साथ चल के कि किस तरह से यहाँ पर जो कचरा है तरह तरह का उसका निष्पादन, उसका प्रबंधन होता है। चलिए सर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कर्मचारी बैठे हुए हैं और जो कि प्राकृतिक कचरा है, हम ऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसका यहाँ पर निष्पादन किया जा रहा है, कर्मचारी यहाँ पर बने हुए, ये किस तरह से सर ये कॉन्सेप्ट है? सुबह 7 बजे करीब गाड़ियाँ रवाना होती हैं, 3 गाड़ी हैं, उनके साथ में जो सिविक रिसोर्स सेंटर के कर्मचारी जाते हैं जो नागरिकों को प्रोत्साहित करते हैं कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग दें। अच्छा। तो हमें प्राय सूखा और गीला कचरा अलग अलग मिलता है, उसके बावजूद भी जो गीला कचरा है उस गीले कचरे को आगे मैं आपको बताऊंगा, जहां पर हमने पिट बनाए हैं उन पिटों में हम रखते हैं, 21 दिन तक वो रखा रहता है, उसके बाद फिर उनको दूसरे पिट में बदलते हैं। जो खाद निर्माण होता है उस खाद को हम अपने अभी जो हमने वृक्ष लगाए हैं उनमें डाल रहे हैं। इसके बाद आने वाले समय में हमारी प्लानिंग है, उस खाद की हम कृषि विज्ञान केंद्र से जाँच कराएंगे, यदि जाँच में वो खाद मतलब सही पाया गया तो उस खाद को हम मतलब बेचने के लिए भी बोरियों में भर के तैयार करके रखेंगे। पर अभी प्राथमिक दौर है इसलिए हम इसमें जल्दी अपनी वो नहीं बता सकते कि अब जो खाद बन रहा है वो उसकी गुणवत्ता कितने परसेंट सही है, कितने परसेंट वो है, पर लेकिन खाद बन रहा है उसको हम डाल रहे हैं और उससे हमें अच्छे रिजल्ट आ भी रहे हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, मतलब कह सकते हैं जो प्राकृतिक आपका भूसा है, पत्तियां हैं, वो उस तरह का इसको अलग अलग यहाँ पर किया जा रहा है, कर्मचारी लगे हुए हैं। अब हम जानेंगे कि किस तरह से खाद बनाई जाती है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो ढेर लगे हुए हैं ये कुछ यहाँ पर खाद तैयार हो रही है, जो आपके घरों से कचरा है साफ़ सफाई का वो निकलता है। यहाँ पर पॉलीथिन वगैरह है उनका ढेर बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कचरा आता है इकट्ठा और वो अलग अलग होकर उसका उपयोग आ सके, उपयोगी हो सके, उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कुछ पिट बनाए गए हैं, शायद यहाँ पर खाद तैयार होती है। नगर परिषद CMO भी यहाँ पर पूरे उत्साह से लगे हुए हैं, लगना भी चाहिए, जब प्रधानमंत्री देश के झाड़ू उठाते हैं तो अधिकारियों में भी एक आत्मविश्वास जागृत होता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर, क्या इसका उपयोग है?
ये जो मैंने आपको बताया ना, सब्जी है वो जो कच्चा गीले पदार्थ हैं, जो घर से निकलने वाला गीला कचरा है उसको हम इसमें जैसे डालते हैं, ये हमने डाला है ये कचरा ये वाला। अच्छा। तो ये फिर ये इसमें आप कुछ देख रहे होंगे कुछ खाद जैसे आपको जैसे दिख गया, तो ये जैसे इस पेड़ में हमने जो कचरा डाला उसको निकाल के फिर 21 दिन के बाद हम दूसरे पेड़ में डाल देते हैं और इसमें जो नया डालते हैं। इस पड़ी में आप देख रहे होंगे अभी 4 या 12 पेड़ थे, लेकिन ये हमें कम पड़ने लगे तो हमें फिर बाजू में अभी और नए पेड़ों का निर्माण करना पड़ रहा है। सर ये व्यवस्था कौन करता है यहाँ पर, क्या कर्मचारी अलग से लगे हुए हैं? यहाँ पे कर्मचारी हम जो अभी आप वहाँ पर जो सूखा कचरा प्रबंधन कर रहे थे 3 से लेकर 4 कर्मचारी लगे हैं, जो सुबह से लेके जो गाड़ी है 11 बजे से आना शुरू होती हैं, तो जो गीला कचरा है उसको तो यहाँ पर निष्पादन कर दिया जाता है, सूखे कचरे को उसके अंदर से मतलब जो लोहा है, कांच है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, ऐसे कम से कम 10 से 12 प्रकार के जो आइटम निकलते हैं उनका हम अलग अलग मतलब उनको अभी इतनी व्यवस्थाएं नहीं है क्योंकि ये प्राथमिक दौर में चल रहा है, तो उनमें कुछ आप देख रहे हैं बोरों में भर के वो सामान रखा जाता है, और जो पॉलीथीन है वो पॉलीथीन का जो आप मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर है जिसके अंदर फटका और बेलिंग मशीन लगी है तो उस पॉलीथीन का निष्पादन वहाँ पर किया जा रहा है। कर्मचारी की संख्या में कमी है इसलिए काम अभी धीरे धीरे मतलब जो हमने प्रारंभ किया है तो हो सकता है आने वाले 6 महीने के बाद आपको इसकी कुछ अलग दशा बदली हुई दिखेगी, और सबसे पहले मुझे लगता है आप ही आके इसको 6 महीने बाद देखेंगे। बिल्कुल सर, अभी आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर कचरे की गाड़ी है वो खाली होती है और वहाँ पर कचरे को अलग अलग किया जाता है, उसके बाद जो कचरा प्राकृतिक कचरा है उसकी खाद इन पिटों के माध्यम से तैयार होती है। तकरीबन यहाँ पर 12 पिट बन चुके हैं और भी बन रहे हैं, चूँकि कचरा ज़्यादा है, नगर परिषद क्षेत्र बड़ा है, आप भी प्रयास करें कि कचरे को अलग अलग रखें, गीला सूखा कचरा यहाँ पर रखें। अब मैं आपको दिखाऊँगा वो फटका मशीन जिसके माध्यम से जो पॉलीथीन है उनका निपटारा किया जाता है, उनको उपयोगी पदार्थ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये जो कचरा है ये पॉलीथीन है, विभिन्न प्रकार की पॉलीथीन है, इनको ले जाके हमारे कर्मचारी फटका मशीन में डालते हैं। फटका मशीन के अंदर इनके अंदर जो भी धूला मट्टी वो जो भी चीज़ है वो नीचे गिर जाती है, जब गिरने के बाद वो पॉलीथीन निकलती है तो बेलिंग मशीन में ऐसे उनको जमा दिया जाता है और बेलिंग मशीन उन पॉलीथीन को प्रेस कर देती है, प्रेस करके वो एक प्रकार से इकट्ठा मतलब भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और उसके ढेर के ढेर बना के रख दिए जाते हैं। जब करीबन वो 407 गाड़ी में भरा जाए या कुछ इतनी मात्रा में होता है, क्योंकि यहाँ पर वो बिकता नहीं है, भोपाल में बिकता है, तो उसको बेचने का काम किया जाएगा। अभी मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ कि ये हम अभी प्रारंभिक दौर में प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं हमारे इसमें हैं। अभी बीच में आप जो जगह आप ये भी देख रहे थे, यहाँ भी 22 लाख रुपये की रोड अभी हमारी स्वीकृत है, लेकिन अभी टेंडर हुआ है, निर्माण नहीं हो पाया है, तो आने वाले समय में ये जो आप मट्टी देख रहे हैं हो सकता है यहाँ पर बहुत सुंदर और भी पार्क जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाइट जल चुकी है क्योंकि शाम का समय है। ये वो क्षेत्र है शमशान घाट जहाँ पर हमने कम ही लोगों ने कल्पना करी थी कि इतना साफ स्वच्छ वातावरण, इस तरह की फोकल लाइट्स आपको दिख जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर निश्चित तौर पर इसमें सराहनीय प्रयास है नगर परिषद CMO संतोष रघुवंशी सर का, न सिर्फ इसमें बल्कि जितने भी काम हो रहे हैं उसमें नगर परिषद CMO सर और उनकी जो टीम है, जो कर्मचारी हैं, वो लगातार अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं आज स्वच्छता सर्वेक्षण में, ये लोग अपनी ड्यूटी के अलावा यहाँ पर सेवाएँ दे रहे थे। मैंने देखा यहाँ पर काम कर रहे थे, सफाई में लगे हुए थे, कोई कन्नी चला रहा था, तो बढ़िया अच्छा यहाँ पर एक माहौल है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो फटका मशीन क्या है जिससे कि जो आपकी ख़राब पॉलीथीन है, जो पन्नियाँ हैं, उनका उपयोग सही अच्छे पदार्थों को बनाने में किया जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फटका मशीन के बारे में। फटका मशीन है यहाँ पर, जो पॉलीथीन है ख़राब उनका उपयोग होता है। कैसे काम करती है सर ये? यहाँ सर पॉलीथीन जो आती है जी, उस पॉलीथीन को हम इसमें डालते हैं, जब मशीन चलती है। अच्छा। तो ये नीचे इसका कचरा है ये नीचे गिर जाता है। अच्छा। और ये यहाँ से पॉलीथीन तारा बाहर हो जाता है, ये फटका मशीन का काम है। इसके बाद में फिर ये है बेलिंग मशीन, मैंने इसको खोल के यहाँ पे पूरी पॉलीथीन को दबाया जाता है, और दबाने के बाद जो पॉलीथीन अभी आप सामने देख रहे हैं ये पॉलीथीन इकट्ठी हो रही है। अभी हमें नगर परिषद CMO संतोष रघुवंशी सर ने बताया कि किस तरह से जो मशीन्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। ये फटका मशीन है, यहाँ से पॉलीथीन डाली जाती है और उसके बाद जब उसका जो कचरा है वो नीचे गिर जाता है, उसके बाद ये जो बेलिंग मशीन है उसे प्रेस करके दबा के ये ठोस कचरा यहाँ पर बनाया जाता है। ये जो आप देख सकते हैं ये गठरी बनी हुई है, वो सारी की सारी पॉलीथीन है जो आपके घरों से निकलती है। ये कितना होगा सर? 5 क्विंटल की लगेगी। 5 क्विंटल। अच्छा, तो ये सर कितने दिन की पॉलीथीन हम कह सकते हैं?
ये लगभग 15 दिन की पॉलिसी है। अच्छा, अभी से ये पूरी इकट्ठी हो जाएंगी तो ये करीब एक जो यहाँ कर्मचारियों द्वारा बताया गया है कि भोपाल के ही लोग इनको खरीदते हैं। अच्छा। लग जाए तो एक ट्रक हो, एक ट्रक नहीं तो कम से कम 407, क्योंकि भोपाल से जो व्यक्ति लेने आएगा उसका भाड़ा तो कम से कम निकलना चाहिए। क्या रेट पे रखती है, कुछ आइडिया है? उसका अभी आइडिया हमें इसलिए नहीं है कि मैंने अभी कहा ना प्रारंभिक दौर में है, इसलिए तो रेट का भले ही पता ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिथीन है ये जहर है हमारी प्रकृति के, हमारे पर्यावरण के लिए। अगर इसका निपटारा हो रहा है, इससे उपयोगी पदार्थ बन रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी वरदान से कम नहीं है। अब हम चलेंगे, आपको वो दिखाएंगे कि आपके घरों का जो सेप्टिक टैंक का मलबा है, स्लज है, उसका किस तरह से निपटारा हो रहा है। चलिए सर, बनखेड़ी के ट्रेचिंग ग्राउंड में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्माण विध्वंसक सीडी अपशिष्ट केंद्र, कंस्ट्रक्शन डिमोलिएशंस एंड वेस्ट सेंटर यहाँ पर बना हुआ है। इसका क्या उपयोग है, हम सीएमओ सर से ही जानेंगे क्या उपयोग है सर इसका। ये जो निर्माण विध्वंस सीडी अपशिष्ट केंद्र का अर्थ है कि जो नगर में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य होते हैं और उनमें निर्माण कार्यों के दौरान जो पुराने मकान का मटेरियल निकलता है। अच्छा। वो मटेरियल कभी कभी रोडों पे पड़ा रहता है, तो यदि कोई व्यक्ति उस मटेरियल को रोडों पे अधिक दिन तक रहता है तो हम उस मटेरियल को हमारे कर्मचारी जाके अपनी गाड़ी में उठवाते हैं और उससे हम जुर्माने के रूप में राशि वसूल करते हैं। अच्छा, ये क्या है सर, टीन शेड में थोड़ा सा दिखाएंगे आप मुझे। ये इस प्रकार से, ये जिस प्रकार से ये ईंट है जी, ईंट के बाद जो कुछ हम जो सूखा गीले कचरे में कभी कभी जो लकड़ी आती है वो चीज़ है जी। ये जो CND वेस्ट का जो मटेरियल उठा के लाए, ये कंक्रीट है, इनमें जुर्माना किया हमने कुछ कम से कम 5-6 लोगों पर। अच्छा। उसे राशि वसूल की, किसी से 200 किसी से 500। ये लोहा है, ये जो अभी हमारा कचरे वाला हिस्सा निकला है। अब इसके ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं, जो मोटा प्लास्टिक निकलता है ना, ये वो वाला है, और ये कांच की बॉटलें हैं। तो ये सारा का सर जो अपशिष्ट पदार्थ है, क्या ये यहाँ पर बाद में जब इकट्ठा हो जाएगा, जो कबाड़ होता है, तो उसके रूप में नगर परिषद इसका उपयोग करेगी? हाँ, नगर कुछ चीज़ें जैसे कि अभी सामने टायर देख रहे हैं, उन टायरों से भी 3R के तहत कुछ कबाड़ से जुगाड़ के हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अच्छा सुंदर एक चीज़ बनाई जाए, तो वो प्रयास भी चल रहे हैं। और इन चीज़ों से जो भी उपयोगी है, अभी वो आपने सामने देखा बाटनों से नाडेप बनाया गया, बाटनों से क्यारी बनाई गई है, तो अब प्रयास तो ये है कि बनखेड़ी को आने वाले समय में मध्य प्रदेश के साथ कुछ और बड़ी जगह दर्जा सफाई में दिलाने की कोशिश की जाएगी, है ना। और छोटी जगह होने के नाते कुछ लोग जब हमारे अधिकारी यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं हमें विश्वास नहीं होता यहाँ भी ये भी हो सकता, क्योंकि उनको एक ग्रामीण परिवेश बनखेड़ी के अंदर दिखता है कि बनखेड़ी तो क्या है, ग्राम पंचायत थी, तो वो कभी कभी ये सोचते हैं कि ग्राम पंचायत का इतनी जल्दी मतलब कैसे बदलाव होगा। नहीं सर, इस वीडियो के बाद निश्चित तौर पर जो अधिकारी हैं और जो नगरवासी हैं उनकी सोच है, हमारे बनखेड़ी को देखने का उनका दृष्टिकोण बदलने वाला है, क्योंकि ग्राम पंचायत थी, अभी 5 ये एक पहली पंचवर्षीय है नगर परिषद के नाते, और काफ़ी यहाँ पर काम हुए हैं, ये किसी से छुपे नहीं हुए। अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र है ट्रेचिंग ग्राउंड का, जैसा कि मुझे अभी संतोष सर ने बताया कि किस तरह से आने वाले दिनों में यहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा। अब हम वहाँ पर चलते हैं, ये आप देख सकते हैं सामने फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है, इसका क्या उपयोग है, हम नगर परिषद CMO संतोष सर से जानेंगे, और हम आपको वहीं पर ले चलते हैं कि किस तरह से इस मलबे का उपयोग किया जाता है और आखिर इसका क्या उपयोग है। देख सकते हैं यहाँ पर ये खाद बनाने की तैयारी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये स्लज क्या है और क्या इसका थोड़ा सा उपयोग है, ये बताएं थोड़ा। ये जो स्लज है, जो नागरिकों के जो अपने टैंक है ना, जो मतलब जो लोग सेप्टिक टैंक है उनका जो मड मतलब जो स्लज निकलता है, उस स्लज को हम लाकर यहाँ पर जैसे ये 3 बनाए हैं हमने, तो ये तब वो वाले में डाला, उसके बाद जो इसमें करा तो उसमें से जो स्लज जब 21 दिन होते, आप देख रहे हैं ये पपड़ी निकल रही है, तो ये पपड़ी बहुत उपयोगी खाद है। पर वही अपनी पुरानी भाषा में कि वही टेस्टिंग पीरियड है, क्योंकि अभी कुछ हमने निकाल के एक बोरे में भर के भी रखा है, ये उधर रखा है, तो ये बताते हैं कि ये इतना उपयोगी है कि ये फसलों के लिए और हर चीज़ के लिए अपने जो सामान्य खाद से उससे बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अच्छा, कोई लेना चाहे तो सर? नहीं, लेना चाहेगा तो वही मैंने कहा ना कि अब इन सब चीज़ों के लिए अभी हमें कुछ समय लगेगा योजनाएँ बनाने में, तो हो सकता है कि जब हम खुद उपयोग करेंगे, इसको देखेंगे और हम बेचेंगे, बेच के लोगों को उनसे उनके
इसके परिणाम पूछेंगे कि इसका क्या है, तो बड़े स्तर पे भी इसका धीरे धीरे उपयोग हो सकता है। अच्छा खाद, क्योंकि हमने अभी ये पीछे आपने देखा, जब ये इसमें डालते हैं तो इसमें आपने पीछे देखा होगा वो पानी प्रथम वाले उसमें सेप्टिक टैंक में जाता है। अच्छा। वहाँ से वो केली के झाड़ लगे हैं उसमें जाता है, उसके बाद वो तीसरे में जाता है। अब यदि स्लज को देखें तो लोगों के मन में एक भ्रांति है कि ये अंदर का स्लज, इसमें दुर्गंध आनी चाहिए, पर आप यहाँ खड़े हैं आपको लग रहा है कि कहीं इसमें किसी प्रकार की कोई दुर्गंध, बिल्कुल भी दुर्गंध नहीं आ रही, एकदम आप भी देख सकते हैं पूरी काली मिट्टी की तरह है। और मिट्टी है ये, एक अपशिष्ट पदार्थ है और कहीं ना कहीं इसका उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है, निसंकोच किया ही जा रहा है अभी। और आने वाले दिनों में ये जो वेस्ट है इसका नगर परिषद बनखेड़ी किस तरह से उपयोग करेगी, ये कुछ योजनाएं बनाई जा रही है। नगर परिषद बनखेड़ी द्वारा तत्कालीन समय के लिए तो ये टेंचिंग ग्राउंड बना लिया गया है, पर यहाँ की आबादी 21,000 है प्रॉपर। बनखेड़ी के अलावा इसमें 8 गांव और जुड़े हुए हैं, ठैनी, चिल्लौद, रेडवाड़ा, दहलवाड़ा, अंधियार बावड़ी, केमढाना, कलकुई। तो इन सब को देखते हुए यदि भविष्य में कचरा जो एक समस्या है, आप देख ही चुके हैं पीछे कितने ढेरों के ढेर लगे हुए थे, यदि इन सब से और निजात पाना है तो हमें इससे बड़ी जगह चाहिए। इससे बड़ी जगह के लिए मैंने आपको बताया हमने एक ज़मीन मांगी है जो करीब 4 एकड़ ज़मीन है, जो आज से पहले कुछ मैंने सुना था कि नगरपालिका जब भी ज़मीन मांगती थी तो लोग कहते थे भैया कचरे के लिए ज़मीन नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि सर दुर्गंध आएगी, बास आएगी, मतलब लोगों के मन में इस तरह से एक भय का वातावरण निर्मित था। पर मुझे लगता है कि आपका जब ये वीडियो बाज़ार में चलेगा तो लोगों को ये लगेगा कि कचरे में कहाँ किसी प्रकार की, जब स्लज निकला है जो घरों का लोगों के मल है उसमें दुर्गंध नहीं आ रही, तो भाई ये सूखे गीले कचरे में क्या दुर्गंध आएगी? यदि वो 4 एकड़ ज़मीन मिलती है तो ये बनखेड़ी के लिए एक कचरा उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर आप जो अभी मटेरियल फैसिलिटी रिकवरी सेंटर देख रहा है ये इससे दोगुना तिगुना बड़ा होगा। अभी आप जो पिट देख रहे हैं जो 12 की जगह वहाँ कम से कम 50 पिट होंगे। अभी आप ये स्लज देख रहे हैं, ये स्लज भी हम इससे और बड़ा डबल का बनाएंगे। इसके अलावा फटका मशीन, बेलिंग मशीन, ट्रोमल मशीन और भी जो कहीं आधुनिक मशीन है, हम इंदौर जाके दौरा करेंगे, इंदौर का भी देख के आएंगे, हमारे कर्मचारी और सभी लोग हम एक बार दौरा करेंगे इंदौर में किस तरह से वो और मतलब उस कचरे को निष्पादन कर रहे हैं उसका अनुकरण करेंगे। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगले साल हम बनखेड़ी को वो नगर बनाना चाहते हैं कि जो छोटे नगरों में इससे अच्छा कोई भी ग्राउंड टेंचिंग ग्राउंड ना रहे। और साईखेड़ा हुआ, आपका साली चौका हुआ, यदि ये लोग भी हमें कचरा देना चाहें तो हम इनसे भी कचरा लेके खाद बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अब ये एक सपना है, अब सपना पूरा के लिए हमें ज़मीन ज़रूर चाहिए। ज़मीन यदि नहीं मिली तो वो सपना कभी हमारा पूरा नहीं होगा। सौंदर्यीकरण भी कुछ किया जाएगा, सौंदर्यीकरण के लिए दशा में वहाँ पर हम, मैंने आपको पहले भी बता चुका, हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक, जब ये सब बन जाएगा तो वहाँ पर एक, यहाँ बहुत कमी है कि स्विमिंग पूल नहीं है शहर में, और भी बच्चों के लिए पार्क तो ये हम डेवलप कर ही रहे हैं अलग, लेकिन वहाँ भी एक पार्क हम उसको संडे रिसोर्स के रूप में उसको ये ट्रेंचिंग मतलब उसको ठोस अफसेस के अंदर बना के संडे रिसोर्ट कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि संडे के दिन लोग देखने भी जाएं और साथ में वहाँ पर स्विमिंग पूल का भी आनंद लें, बैडमिंटन खेलना चाहें, फुटबॉल खेलना चाहें, कैरम, मतलब हाँ कुछ वाचनालय भी, पुस्तकें भी रखें वहाँ पर पढ़ाई के लिए, मतलब जो एक प्रकार एक एक शहर के लिए एक लोगों के फ्रेश होने के लिए जितनी सुविधाएं चाहें। और उसी के साथ में जब कोई बाहर का अधिकारी आके देखे तो ये क्या है कि कचरे ग्राउंड में इस तरह के कार्य चल रहे हैं, तो उसको हम एक मतलब एक अलग तरह का रूप देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप थे हमारे साथ नगर परिषद बनखेड़ी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संतोष रघुवंशी सर, जिन्होंने बाकायदा हमें बताया कि किस तरह से ट्रेचिंग ग्राउंड में जो आपके घरों का गीला सूखा कचरा निकल रहा है उसका प्रबंधन हो रहा है, उस कचरे से एक अच्छी चीज़ें बनाई जा रही हैं, उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने की ये योजना है। और बाकायदा आपने अच्छी तरह से देखा, चाहे वो मल हो, चाहे गीला सूखा कचरा हो, चाहे प्लास्टिक हो, और साथ ही साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि आने वाले दिनों में जो 3 से 4 एकड़ जमीन है इस कचरे के निपटारे के लिए वहां पर भी इसी तरह का प्लान बनाया जाएगा और उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ये तमाम जानकारियां हमें नगर परिषद सीएमओ संतोष रघुवंशी सर के माध्यम से प्राप्त हुई। हम इतना तो कह सकते हैं कि जिस तरह से आपके प्रयास हो रहे हैं, जिस तरह से आपका यहां पर आगमन हुआ और उस तरह से उसके बाद से जो नगर परिषद बनखेड़ी का दृश्य बदला वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तमाम लोग देख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, चाहे वो प्रकाश व्यवस्था हो, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे वो ये
ट्रेचिंग ग्राउंड हो, जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आपने पूरे उत्साह से काम किया है। और आप जहाँ तक बार बार ये कहते हैं कि काम करना मेरा उद्देश्य है, मैं काम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जितने दिन मुझे यहाँ पर मिला है मैं लोगों का प्यार चाहूँगा, लोगों का सहयोग चाहूँगा, तो मैं आप सभी से एनवी टीवी के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक अच्छे अधिकारी जब हमारे साथ लगे हुए हैं, हमें सहयोग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी जो वो कह रहे हैं, जो हमसे अपील कर रहे हैं, वैसा हम काम करें। गीला सूखा कचरा अलग अलग आप रखें, दो बाल्टियां बनाइए जिसमें गीला रखिए सूखा रखिए, ताकि उस कचरे का उपयोग यहां पर हो सके। जो कर्मचारी यहां पर उस कचरे को अलग अलग करने के लिए लगे हुए हैं उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, उन्हें सहयोग मिले। आप देख रहे हैं बनखेड़ी के स्ट्रेचिंग ग्राउंड से संजय वैष्णव की ये खास पेशकश। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रयास के बारे में बताइए, और अगर कुछ आपकी प्रतिक्रिया है तो वो भी आप कमेंट कीजिए। लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं क्षेत्र की वो आपके मोबाइल में लगातार आपको प्राप्त हो सकें। संजय वैष्णव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।